हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शागुतास किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी डिज़र्ट रेसिपी, ब्रेड पुडिंग, जिसके लिए मैंने 8 से 10 ब्रेड्स के छोटे टुकड़े बना लिए हैं। इनका बना लेंगे हम चूड़ा। 2 अंडे ले रही हूँ, 1 कप दूध, 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 2 से 3 पिंच दे दूंगी मैं येलो फूड कलर, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। अब इसमें ब्रेड का चूरा डाल देंगे और मिक्स करेंगे। जब ये इस तरह से थोड़ी सी ड्राई लगेगी, तब इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसकी एक थिक बैटर बना लेंगे। 2 से 3 पिंच नमक और हमारी ब्रेड पुडिंग की बैटर बन चुकी है। केक टिन ले रही हूँ, जिसको बटर से ब्रश कर लेंगे। कैरमल बनाने के लिए ले रही हूँ मैं 4 टेबल स्पून चीनी, या फिर जितनी चीनी की कैरमल आपकी केक टिन में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाए उतनी आप ले लीजिए। 2 टेबल स्पून पानी, मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए शक्कर को हम कैरमलाइज्ड कर लेंगे। होना शुरू कर दिए हैं। जब इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ग्रीस की हुई केक टिन में डाल देंगे। इस तरह से इसको सेट करेंगे, जैसे ये ठंडी भी हो जाएगी और सेट हो जाएगी इस तरह से। इसके ऊपर अब बैटर को डाल देंगे, फॉइल से कवर कर देंगे। ऊपर से कुछ छेद, अब इसको हम स्टीम में पकाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी ले लिए है और एक स्टील का रैक। इसके ऊपर हम केक की टिन को रख देंगे, कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर 40 से 50 मिनट के लिए। बीच बीच में 1 से 2 बार ढक्कन हटाकर इसकी पानी जब इस तरह से ड्राई हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे और फिर से कवर कर देंगे। पूरे 40 से 50 मिनट के बाद फॉइल को हटाकर चेक कर लेंगे। ये पूरी तरह से साफ आई है, पुडिंग बन चुकी है। इसको अब निकाल कर 1/2 घंटा के लिए रूम टेम्परेचर में रखकर हम ठंडा कर लेंगे। इसकी साइड्स अब इस तरह से खुद ब खुद रिलीज हो जाएगी, तभी हम इसकी साइड्स को रिलीज करेंगे। ऊपर से एक प्लेट और इसको हल्के हाथों से पलट कर टैप करेंगे और निकाल लेंगे। हमारी बहुत ही इजी और क्विक ब्रेड पुडिंग बन चुकी है। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसको आप फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रखकर उसके बाद सर्व कीजिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। And thank you so much for watching this video.